बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनवर्स फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं। इनवर्स फंक्शन का क्या मामला है? इनवर्स फंक्शन से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनवर्स होते क्या हैं। ठीक है, देखें भाई, इनवर्स क्या होते हैं कि अगर मैं एडिटिव इनवर्स की बात करूँ, इस नंबर में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि जीरो आ जाए, जीरो माइनस टू। ठीक है, इस टू का इसका मतलब इनवर्स क्या है? माइनस टू इनवर्स है इसका। ठीक है, लेकिन ये कौन सा इनवर्स है इसका? एडिटिव इनवर्स है, एडिशन वाला इनवर्स है, जो इस टू के इफेक्ट को खत्म कर देता है, एडिटिव इनवर्स। और ये कहलाती है जीरो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन वाली आइडेंटिटी है ये। इसी तरह मुझे ये बताएं, इस टू में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वन आ जाए? वन का मतलब है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी, वन अपॉन टू। एग्जैक्टली, ठीक है, वन डिवाइडेड बाई टू, यानी कि इस टू के मल्टीप्लाई वाले इफेक्ट को खत्म कर देगा वन डिवाइडेड बाई टू, और ये आपका जो कहलाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाएगा, जो इस टू के इफेक्ट को खत्म कर देगा। तो इसका मतलब क्या है भाई? इनवर्स क्या करता है? इफेक्ट्स को खत्म कर देता है ना। इस टू ने जो काम किया था उस टू को खत्म कर देगा इफेक्ट को। जैसे यहाँ की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एडिशन की एग्जांपल देता हूँ, मैंने ऐड किया टू प्लस थ्री, क्या आ गया? फाइव। अब मैं चाहता हूँ इस फाइव में से इस टू के इफेक्ट को खत्म कर दूं, जो इसमें टू का इफेक्ट ऐड हुआ है, तो मुझे इस फाइव में क्या करना पड़ेगा? माइनस टू का मतलब ये है कि मुझे उस टू का जिसका मैं इफेक्ट खत्म करना चाहता हूँ उसका इनवर्स एलिमेंट लाना पड़ेगा, और एडिशन है तो एडिटिव इनवर्स लाना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेटिव नहीं ला सकते हैं। तो आप देखें इस माइनस टू ने क्या किया, उस टू वाले का इफेक्ट खत्म कर दिया। ये इफेक्ट खत्म करने के लिए होता है जो उसपे, ठीक है। इसी तरह अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करें, मैंने किया टू मल्टीप्लाई बाय थ्री तो आंसर आ गया सिक्स। अब मैं चाहता हूँ कि इस आंसर सिक्स में से जो टू मल्टीप्लाई हुआ था उसका असर खत्म हो जाए, तो मुझे टू का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लाना पड़ेगा, जो कि है 1 डिवाइडेड बाय 2 और ये वापस 3 आ। तो ये इनवर्सेस हैं, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है और ये वाला एडिटिव माइनस 2। किस एलिमेंट का है? 2 का माइनस 2 है, 3 का माइनस 3 होगा। ठीक है, इस तरह से एडिटिव इनवर्स बनते हैं और 1 डिवाइड करके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बनते हैं। जरूरी नहीं है 1 डिवाइड करके, 2 डिवाइडेड बाय 3 भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो सकता है। जैसे अगर कोई नंबर लिखा था ये, इसको मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा 3 3 = 9 डिवाइडेड बाय 2। इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? मैं चाहता हूं इस 9 डिवाइडेड बाय 2 में से इसका इफेक्ट खत्म हो जाए। भाई 2 ऊपर कर दो, 3 नीचे कर, फिर 2 से 2 कट जाएगा, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 आ जाएगा, वापस आपको ये मिल जाएगा, इसका इफेक्ट खत्म हो। तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्सेस होते हैं। ये क्लियर है मामला? इनवर्स क्या करता है? इफेक्ट को खत्म कर देता है। और अगर सेम नंबर को उसी एलिमेंट के इनवर्स से ऑपरेट करा दें तो आपको क्या मिल जाता है? आइडेंटिटी। भाई सेम नंबर को उसके इनवर्स से ऑपरेट करा देंगे, ऑपरेशन मतलब प्लस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, अगर ऑपरेट करा देंगे तो आपको आइडेंटिटी मिल जाती है। जैसे यहाँ 2 के केस में सेम एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट कराया तो एडिटिव आइडेंटिटी, 2 को के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से ऑपरेट कराया तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ये समझ आता है इनवर्स का मामला? ये यहाँ तक बात समझ आती है? डिवीजन का नहीं होता? नहीं, डिवीजन का नहीं होता, डिवीजन कोई ऑपरेशन नहीं होता, डिवीजन असल में हम करते हैं इस इनवर्स एलिमेंट की मदद से। इसी तरह सब्ट्रैक्शन कोई ऑपरेशन नहीं होता, एडिशन ही ऑपरेशन होता है। अगर हमें किसी चीज को सब्ट्रैक्ट कराना होता है तो उसमें क्या लगा देते हैं हम? एडिटिव इनवर्स, इनवर्स एलिमेंट ले आते हैं। ठीक है, ये बाद में देखेंगे। इनवर्स का मामला समझ आ गया? इनवर्स क्या करता है? इफेक्ट को खत्म कर देता है। अगर सेम एलिमेंट को आप उसी के इनवर्स से ऑपरेट करा देंगे तो आपको आइडेंटिटी मिले। अब यहाँ मुझे बताएं कि अगर मैंने किया साइन 45 डिग्री तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 डिवाइडेड बाय रूट टू। ठीक है ना। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो आंसर आया है ना, इसका क्या था? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था ना, इसका इनवर्स बनाना चाहता हूँ, इससे मुझे वापस 45 मिल जाए। अगर मैं चाहता हूँ 1 अपॉन रूट टू से मुझे वापस 45 मिल जाए तो मुझे क्या करना होगा? इसका इनवर्स बनाना पड़ेगा। और इनवर्स बनाने, हाँ, साइन इनवर्स। और इनवर्स बनाने का एक तरीकेकार है, ये आपको वापस 45 डिग्री दे देगा। इनवर्स बनाने का एक तरीकेकार है, मैं एक काम यहाँ करता हूँ, मेरे पास एक फंक्शन था जो मैंने अभी प्लॉट किया था वाई एक्सिस पे, y इज इक्वल टू साइन थीटा, ये फंक्शन था भाई। y एक्सिस पे साइन थीटा की वैल्यू प्लॉट की थी ना, और थीटा को आपने x एक्सिस पे प्लॉट किया था, तो मैंने साइन थीटा को लेट कर लिया y के बराबर, क्योंकि y एक्सिस पे अभी आपने प्लॉट किया है। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स y, यहाँ भी आ जाएगा साइन इनवर्स साइन। ये तरीके कार है कि अलजबरा के जरिए कैसे निकालेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि असल में ये वैल्यूज हमने बनाई कैसे हैं, वो मैं आपको उस पर बताऊंगा एनिमेशन पे। तो हम क्या कहते हैं कि ये साइन
साइन और साइन इनवर्स आपस में क्या है, इनवर्सेज हैं। जैसे यहाँ एडिटिव इनवर्स था, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, ये साइन का क्या है, इनवर्स फंक्शन है। साइन इनवर्स इस साइन का इनवर्स फंक्शन, तो ये आ जाएगा साइन और साइन इनवर्स वन। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई आपने साइन में कोई वैल्यू रख के दिखाता हूँ, मिसाल के तौर पर आपने लिखा साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री, सही है भाई। साइन 45 को हल करें जरा, 1/√2 आ जाएगा, ऐसा ही है ना। अब इस आंसर को वापस साइन इनवर्स करेंगे तो 45 वापस आ जाएगा, तो इसका मतलब कि साइन थीटा का जो आंसर आएगा साइन इनवर्स वापस कर देगा उस आंसर को, यानी कि सिर्फ थीटा रह जाएगा। यहाँ देख लें सर, वही बात है ना, कैंसिल हो जाएंगे। एग्जैक्टली ठीक है ना, तो थीटा वापस आपको मिल जाए। तो ये आप कह सकते हैं, मैं अगर इसको सीधा करके लिखना चाहूँ, थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स वाई के। इसके बाद हम एक स्टेप और क्या करते हैं, ये अल्जबरा का तरीके का है, असल तरीका भी आपको समझ आ जाएगा एनिमेशन। अभी जिस तरह ये लिखा है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, यानी वाई डोमेन की वैल्यू बन गई है जो एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं, और थीटा जो है वो रेंज की वैल्यू है जो वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि थीटा को हम एक्स एक्सिस पे ही प्लॉट करें और जो साइन इनवर्स का आंसर आए उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करें। तो इसके लिए हम वेरिएबल स्विच करते हैं, क्योंकि वाई जो था वो साइन थीटा का आउटपुट था, लेकिन साइन इनवर्स का तो वो इनपुट बन गया ना। देखिए लिखा है साइन इनवर्स वाई, वो तो इनपुट है, और इनपुट को हम चाहते हैं कि एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया जाए और आउटपुट को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया जाए। तो नोटेशन हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, हम वाई यूज करें, थीटा यूज करें, एक्स यूज करें, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं वेरिएबल स्विच कर देता हूं ताकि ईजी रहे देखने में कि ये जो आउटपुट था साइन थीटा का वाई, उसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना चाहते हैं। तो साइन थीटा को भी थीटा को भी एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया था, तो यहाँ भी इसके आउटपुट को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, तो हमने उसको थीटा ही लिख दिया है, y is equal to sine inverse theta। तो यहाँ हमने वेरिएबल स्विच किए हैं, सिर्फ नोटेशन चेंज किए ये दिखाने के लिए कि भाई साइन इनवर्स के साथ जो ये थीटा लिखा हुआ है ये हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे इस थीटा को, और जो उसका आउटपुट आएगा उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। अदरवाइज ये जो साइन इनवर्स के साथ थीटा लिखा हुआ है, ये थीटा आ कहां से रहा है, ये थीटा की वैल्यू आ रही है जो साइन थीटा का आउटपुट है, यानी साइन थीटा के जो वाई की वैल्यू है, जो रेंज की वैल्यू है, ये वहां से आ रहा है तमाम के तमाम नंबर। यहाँ जो साइन इनवर्स के साथ थीटा है वो साइन थीटा के वाई की वैल्यू है, जैसा कि बिल्कुल एग्जैक्टली इस स्टेप के ऊपर लिखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, और वाई ऊपर वाई इज इक्वल टू साइन थीटा है। ये ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा काम ये है कि आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का डोमेन क्या है। डोमेन चाहिए क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ वेरिएबल स्विच किए ना मैंने, वाई की जगह थीटा लिख दिया, थीटा की जगह वाई लिख दिया। सर थीटा वेरिएबल है। हाँ ना, वेरिएबल है ना भाई, ये एक्स एक्सिस का वेरिएबल है ना। ओके ठीक है ना, और वाई को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। सही। मैं ये जानना चाहता हूँ डोमेन, यानी कि थीटा क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। साइन थीटा का जो डोमेन है, यानी कि थीटा की क्या क्या वैल्यूज आप रख सकते हैं भाई, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक रख सकते हैं, और जो रेंज जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, माइनस वन से वन के दरमियान, और बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूडेड है। अगर कभी मैं ये पैरेंथेसिस बनाता हूँ तो आपने ये समझ लेना है, पैरेंथेसिस का मतलब ये होता है कि ये वाला पॉइंट बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है, बाकी उसके अलावा तमाम पॉइंट्स इंक्लूडिंग, यानी माइनस वन से वन के दरमियान तमाम पॉइंट्स इंक्लूड हैं सिवाय माइनस वन के। लेकिन इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि यहाँ वन भी इंक्लूडेड है, तो जब भी इस तरह आपको नजर आए तो आपने समझ लेना है कि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, और इन दोनों के दरमियान के तमाम पॉइंट्स इंक्लूड हैं, यानी कि माइनस वन नहीं है, माइनस वन और वन के दरमियान के तमाम पॉइंट्स हैं, और इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि वन भी इंक्लूड है। ये क्लियर है? ठीक है, यहाँ एक छोटी सी वो मिस्टेक ये है कि माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता, ये सिर्फ एक आइडिया है, बहुत बड़ा नंबर। अब वो कितना बड़ा नंबर है वो तो हमें नहीं पता, तो इसलिए हम उसके आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई माइनस इंफिनिटी तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते ना, सही है, तो इससे छोटे तमाम नंबर हम रखते हैं, और माइनस इंफिनिटी से बड़े तमाम नंबर रखते हैं, प्लस इंफिनिटी से छोटे तमाम। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनवर्स फंक्शन में आप क्या करते हैं, जो रेंज होती है आपके फंक्शन की उसके इनवर्स फंक्शन में उसको उसका डोमेन बना देते हैं। क्यों बनाते हैं ये अभी मैं बताता हूँ आपको, यानी साइन इनवर्स का डोमेन माइनस वन से वन के दरमियान होगा। ये क्लियर है? इसकी रेंज क्या होगी वो अभी हम निकालेंगे। यहां तक मामला क्लियर है भाई? ये बताएं, ये अलजबरा थी इसकी, इनवर्स फंक्शन किस तरह हमने अलजबरा के जरिए दिखाना है। अभी तो हमने 45 मैंने 45 जो इंक्लूड किया था वो साइन थीटा के साथ किया था, साइन इनवर्स के साथ नहीं किया था। ये देखें 1/√2, 1 से छोटा आंसर है, 0.707 है। अब हम मैं वापस एनिमेशन की तरफ आता हूँ, मैंने साइन का इनवर्स बनाना है ना, तो भाई ये रहा साइन थीटा। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जीरो के करीब करीब वो जगह देखेंगे, चाहे वो जीरो के बाद हो एंगल में या जीरो से पहले हो, जहां आपको पूरी रेंज मिल रही हो अपने। तो भाई यहां तो साइन जीरो डिग्री पे जीरो है, तो साइन जीरो
जीरो पे जीरो होता है, आगे जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। मैं चाहता हूँ माइनस वन से स्टार्ट करना, तो ज्यादा बेहतर क्या है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ या इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, यहाँ से स्टार्ट कर। माइनस 90 से हम प्लस 90 तक अगर देखें तो क्या साइन थीटा की तमाम वैल्यूज आ रही है, पूरी रेंज कवर हो रही है? यस सर। ठीक है ना, माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री एंगल तक पूरी रेंज कवर हो रही है। अगर आप वापस आगे जाएंगे तो फिर से रेंज क्या होना शुरू हो जाएगी, रिपीट होना शुरू हो जाएगी, कोई नई चीज नहीं आएगी हमारे पास। सही है ना, एंगल बढ़ेगा लेकिन कोई नई चीज हमारे पास रेंज की आने वाली नहीं है, सेम वही नंबर वापस रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए इतना काफी है कि मैं माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री तक की वैल्यूज में लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसकी रेंज को, साइन थीटा की रेंज को उसका इनवर्स फंक्शन बनाना है। तो उसकी रेंज को मुझे क्या करना है, इनवर्स फंक्शन का डोमेन बनाना है। तो आप देखें मैंने क्या किया, सिर्फ इतनी वैल्यूज ले ली, काफी है भाई, माइनस 90 से प्लस 90 तक साइन थीटा का फंक्शन ले लिया। ये दिख रहा है ना आपको, ये साइन थीटा का भाई काफी है, माइनस 90 से प्लस 90 तक ले लिया। ये बात समझ आती है, यहाँ क्या हुआ है भाई, सारे बताएंगे फिर इनवर्स फंक्शन पे आगे बढ़ूंगा, आपको समझ आ जाएगा इनवर्स फंक्शन कैसे काम करता है, कि ये इतना सा ब्लू कलर का कर्व क्यों लिया मैंने, साइन थीटा का कर्व है ये, छोटा लिया है मैंने। हाँ, मैंने क्यों लिया इतना कर्व, क्योंकि इतने ही कर्व में मुझे जीरो के पास पास पूरी रेंज मिल रही है, इसलिए मैंने इतना सा हिस्सा ले लिया। और ये जो ब्राउन कलर में आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे हम इनवर्स फंक्शन प्लॉट करने वाले हैं साइन थीटा की मदद से, तभी हमें क्या मिलेगा, उसका इफेक्ट खत्म होता हुआ मिलेगा, जो हमने साइन थीटा का आंसर निकाला होगा उसका रिवर्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बहुत आसान है, यहाँ देखें भाई, रेडियन में देखना है, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यूज आपको रेडियन में नजर आई, एक्स यहाँ -1.57 था तो वाई क्या आया बताएं, -1। तो इसका इनवर्स फंक्शन में क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, एक्स -1 रखेंगे और वाई क्या रखेंगे, -1.57, उल्टा कर देंगे, इसके एक्स कोऑर्डिनेट को इनवर्स फंक्शन का वाई कोऑर्डिनेट बना देंगे और वाई कोऑर्डिनेट को साइन थीटा के एक्स इनवर्स फंक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट बना देंगे। ये बात क्लियर है कि हमने स्विच कर दिया इसको, पहले तो पहला स्टेप समझे ना, ठीक है, स्विच कर दिया, पहला पॉइंट हमें मिल गया, हमने पहला पॉइंट प्लॉट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि देख लें ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये इनवर्स फंक्शन में वाई एक्सिस पे कहाँ प्लॉट हो रहा है, और ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है -1, ये x एक्सिस में कहां प्लॉट हो रहा है, तो देख लें x में -1 कर दिया और y में -1.5 कर दिया, और यहां आप देख भी सकते हैं, ये पहला पॉइंट तो मुझे मिल गया। दूसरा पॉइंट मुझे बनाना है, मैंने इस साइन थीटा की मदद से ये प्लॉट कर रहा हूं मैं, अगला मैंने देखा -1.47 पे -1 था तो मुझे उल्टा करना है, -1 पर -1.47 प्लॉट करना, ये प्लॉट कर दिया मैंने। अगला पॉइंट मुझे चाहिए, अगला पॉइंट मैंने देखा 78.73 डिग्री या -1.37 रेडियन पर मुझे -0.98 प्लॉट करना था, तो मैंने इनवर्स फंक्शन किस तरह प्लॉट किया, -0.98 पर, यानी कि x -0.98 और y -1.37 कर। इस तरह करते करते मैंने तमाम के तमाम प्लॉट कर दिए पॉइंट्स, और उसको मैंने कह दिया कि ये इनवर्स फंक्शन है इसका, ये इनवर्स फंक्शन बन गया आपका, ये साइन का इनवर्स। कैसे, अभी देख लें भाई, साइन 90 डिग्री पर क्या होता है, वन। अब इस वन से वापस आपको एंगल चाहिए, तो आप साइन इनवर्स वन करेंगे ना, तो साइन इनवर्स वन पे क्या देना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये देख लो 90 डिग्री आ गया, या डिग्रीज में लिख दो या रेडियन में 1.57 देख लो, यहाँ एग्जैक्टली 1.57 पर है ये। इस तरह से ये हुआ है भाई, 45 डिग्री ले आओ, साइन 45 डिग्री पर तकरीबन अप्रॉक्स में करीब करीब कर देता हूँ जो वैल्यूज आप लोग जानते हैं, साइन 45 डिग्री पे 0.707 होना चाहिए, 1/√2, 45 का मतलब 0.79 पे, ठीक है ना, तो इसने 1/√2 दे दिया। तो ये देख लो, साइन इनवर्स 1/√2 रखोगे तो ये क्या दे देगा, 0.79 रेडियन में दे देगा, देख लो ये 0.79 आ रहा है, या डिग्रीज में कन्वर्ट कर दोगे तो 45 डिग्री बन जाएगा। थोड़ा सा मामला क्लियर हुआ कि ये हमने क्यों स्विच करके रखा है, क्योंकि ऑटोमेटिक वो रिवर्स आंसर दे देगा ना आपको। सही है, कहीं पे मिल भी रहा है तो उसका इनवर्स कैसे होगा। हाँ तो मिलने दें, वहां पे आंसर सेम होंगे, साइन जीरो पे मिल रहा होगा और तो कहीं नहीं मिल रहा होगा, साइन जीरो पे जीरो होता है, बाकी जगहों पे आंसर डिफरेंट होंगे। किस मिलने की बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं? नहीं, ये जो लाइन नहीं मिल रही, साइन और साइन इनवर्स, यार आप अगर जूम करके देखेंगे ना तो भाई ये मिल नहीं रहे हैं, ये सिर्फ एक ही जगह मिलेंगे और वो जगह है ये, ठीक है, जूम करके देख लें, ये मिलेंगे थोड़ी, अब मुझे बहुत ज्यादा जूम करना पड़ेगा, ठीक है, ये नहीं मिलेंगे, आपको जूम करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सेम क्यों नजर आ रहे हैं, आपको सेम इसलिए नजर आ रहे हैं कि भाई 2 decimal places है ये, यहाँ पे आपको सेम इसलिए नजर आ रहे हैं ये और ये, क्योंकि 2 decimal places है, मुझे डेसिमल प्लेसेस बढ़ानी पड़ेंगी इसकी। ये बात क्लियर है कि इनवर्स फंक्शन किस तरह काम कर रहा है, इस तरह हम इनवर्स फंक्शन बनाते हैं।
क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन है तो सवाल पूछ सकते हैं कि इनवर्स फंक्शन प्लॉट किस तरह करते हैं। इनवर्स फंक्शन हम क्या करते हैं, इसके एक्स एक्सिस को उसका वाई एक्सिस बना देते हैं, उसके वाई एक्सिस को इसका एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि इनवर्स फंक्शन में मुझे कोई फायदा था मैं अगर वन और माइनस वन से, अब मुझे ये बताएं कि जो इसका डोमेन था साइन इनवर्स का, उसमें माइनस वन से माइनस वन और वन से बड़ा कुछ वैसे भी नहीं होना था, तो हमें बाकी वैल्यूज रखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, तो हमारा काम बन जाता। इसको जरा देख के आप बताएं, साइन इनवर्स के कर्व को जरा मुझे देख के बताएं कि ये कर्व है वो पूरा। इसका अगर डोमेन आप डिफाइन करना चाहें साइन इनवर्स का इस कर्व को देखते हुए, तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, मिनिमम कहां तक जा रहा है एक्स की वैल्यूज यानी थीटा, और मैक्सिमम कहां तक जा रही है, -1, 1। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं आप एग्जैक्टली, मैंने ये चेंज कर दिया एक्स एक्सिस की वैल्यू, एग्जैक्टली ये देखिए -1 से 1। और आंसर कहाँ, जो उसकी रेंज है साइन इनवर्स की, मिनिमम कहाँ है, रेंज मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू, और मैक्सिमम कहाँ है, 1.5 -1.5। हाँ, तो ये 1.57 क्या होता है, 5/2 होता है ये, ठीक है, 90 डिग्री। आप यहाँ देख सकते हैं ये लिखा है सामने साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 है, और रेंज क्या आई है -90 से +90 डिग्री, ठीक है, या रेडियन में -π/2 से +π/2 आई। ये आपका साइन इनवर्स फंक्शन है। तो आप कभी भी साइन इनवर्स में कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए जब भी -1 से छोटा कोई नंबर डालेंगे थीटा की जगह, या 1 से बड़ा नंबर डालेंगे, तो वो आपको कॉम्प्लेक्स में दे देगा, कभी भी रियल आंसर आपको नहीं देगा। तो साइन इनवर्स का जो आप डोमेन रख सकते हैं वो -1 से 1 के दरमियान रख सकते हैं, और बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड होंगे, यानी -1 और 1 भी इंक्लूड होगा, और जो रेंज है वो आपकी -π/2 से +π/2 तक आएगी। अच्छा, इसमें भाई ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है इनवर्स फंक्शन के अंदर, यहाँ पे आप ओरिजिनल फंक्शन में साइन थीटा में जो एक्स कोऑर्डिनेट था यहाँ पे किसमें रखा है मैंने, 90 डिग्री, या दूसरे अल्फाजों में 1.57 रेडियन। तो आपने इसको डिग्री नहीं समझना साइन इनवर्स में, ये ऐसा नहीं है कि ये 1 डिग्री है इसका एक्स कोऑर्डिनेट और ये 1 रेडियन है, नहीं, ये इनवर्स फंक्शन हमने प्लॉट किया है, ये सिर्फ साइन इनवर्स 1 है बस, आपको ये लौटाएगा डिग्री वापस में या रेडियन। रेडियन में देखना चाहते हैं तो साइन इनवर्स 1 आपको लौटाएगा 1.57 रेडियन, ये तो आपने खुद प्लॉट किया है ना साइन थीटा को देखते हुए, या डिग्री में कहेंगे तो आपको 90 डिग्री लौटा देगा ये। यहाँ पे साइन इनवर्स को कभी नहीं कहना आपने कि भाई साइन इनवर्स 1 रेडियन है ये, या साइन इनवर्स थीटा की जगह आप रख रहे हो 1 डिग्री, ऐसा नहीं होता, वो असल में आपको आंसर लौटाता है कैलकुलेटर। अगर आपका कैलकुलेटर डिग्रीज में होगा तो साइन इनवर्स 1 90 दिखाएगा, 90 डिग्री दिखाएगा, रेडियन में होगा आपका कैलकुलेटर तो साइन इनवर्स 1 आपको 1.57 या π/2 रेडियन दिखाएगा। ये बात समझ आ रही है? Yes. कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में ये जो x कोऑर्डिनेट है ये खुद डिग्री या रेडियन नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके x एक्सिस पे जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है ये, जो ये आपको वापस करेगा वो डिग्री में भी आप ले सकते हैं या रेडियन में भी देख सकते हैं, दोनों में से किसी में भी आप इसको चेक कर सकते हैं। एक चीज दोबारा से आप देख लें, यहाँ पे एक नजर दौड़ा लें भाई, कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है -1 से 1 के दरमियान होता है, बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, और जो रेंज आएगी यानी कि साइन इनवर्स का जो आंसर आएगा वो कभी भी 90 डिग्री से छोटा नहीं होगा, और कभी भी -90 डिग्री से छोटा नहीं होगा, और +90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब साइन इनवर्स कभी भी आपको आंसर -90 डिग्री से छोटा नहीं दे सकता है और +90 डिग्री से बड़ा नहीं दे सकता है। ये बात क्लियर है? साइन इनवर्स का जब भी आंसर आएगा -90 डिग्री और +90 डिग्री के दरमियान ही आएगा, या वो खुद होगा जब साइन इनवर्स 1 -1 हो जाएगा तो -90 डिग्री आ जाएगा, जब साइन इनवर्स 1 होगा तो +90 डिग्री आ जाएगा। ये क्लियर है? ये समझ आ गया तो सारे इनवर्स फंक्शन समझ आ जाएंगे कि कैसे प्लॉट होने, सेम आइडिया है, सेम। यस सर, क्लियर है जी सर, बस जबरदस्त है। यस सर।